हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे डेकाडुरावलिन इंजेक्शन के बारे में। जानेंगे ये क्या है, किस चीज़ में यूज होता है, क्या वार करता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। बात करेंगे डेकाडुरावलिन इंजेक्शन के बारे में। ये मार्केट में आपको 25 mg की स्ट्रेंथ में, 50 mg की स्ट्रेंथ में और 100 mg की स्ट्रेंथ पर, और इसकी MRP की बात किया जाए, इसकी 50 mg की MRP आपको 400 रुपये के आसपास पड़ता है। और इसकी कंपोजिशन के बारे में देखा जाए, इसमें नाइड्रेनालिन डेकाराइड इसमें, और ब्रांड के बारे में देखा जाए आपको डेका इंस्टा डुराविलिन आपको इंटास्का मिल जाएगा, मेटाडेक आपको मिल जाएगा, ये कुछ ब्रांड नेम आपको ज़्यादातर मार्केट में मिलता है, ये सारे पॉपुलर ब्रांड आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, नाइड्रेनालिन डेकाराइड के बारे में देखा जाए, ये एक प्रकार के एनाबोलिक स्टेरॉयड है, जो कि एक प्रकार के हार्मोन है, और ये हम जो ह्यूमन शरीर में, ये हमारे शरीर में हमारे हम लेने से ये हमारे जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन को, ये एक्टिव करके ये अपना शरीर में बात आ जाए। इसकी यूज के बारे में देखा जाए तो महिलाओं में जो मेनोपॉज की समस्या होता है, मेनोपॉज की समस्या के बाद जो शरीर में जो पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम के बाद जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उस कंडीशन में ज़्यादातर यूज किया जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो बोन होता है ये थिन हो जाता है, तो उसी में जो ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, यानी हड्डियों की क्षय शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और उसको छोड़ के आपको एनेमिया की कंडीशन हो, या अगर आप कंसिस्टेंसली लो ब्लड प्रेशर में आप सफ़र करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ कॉमन यूज़ के बारे में देखा जाए, आजकल बॉडी बिल्डिंग की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है, तो ये आपकी मसल्स स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ आपकी बोन की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, तो इसीलिए इसकी ज़्यादातर ये स्टेरॉयड होने की वजह से ये बॉडी बिल्डिंग की कंडीशन में भी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे इसकी कुछ डोजेस के बारे में देखा जाए, तो डोजेस ये डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ये दवाई दिया जाता है, तो डॉक्टर ज़्यादातर इसको महीने में एक बार लेने की सलाह देते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रिकॉशन मानना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन की बात देखा जाए, आप इसको ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, या प्रेग्नेंट औरत हो, या किडनी डिजीज हो, या लीवर की समस्या हो, तो इन सारे कंडीशन में ये दवाई नहीं दिया जाता। तो अब फ्रेंड्स बात आती है कुछ साइड आ जाए, तो इसमें आपको स्वेलिंग हो सकता है, एडिमा टाइप का भी हो सकता है, एक्ने हो सकता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो सकता है, और आपको नोजिया टाइप का फील हो सकता है, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको हो सकता है। और ये दवाई अगर आप लेते हैं तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बिना आप ये दवाई नहीं ले सकते, तो ये एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रॉप होता है। तो फ्रेंड्स, ये था डेकाडुरावलिन के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, या वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।